कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमला देवी पाटनी, श्री संजय पाटनी, श्रीमती नीतू, तोषिका, हर्ष, शनन पाटनी परिवार भीलवाड़ा निवासी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान। रमो अरिहंताडम, रमो सिद्धाडम, रमो आईरियाडम, रमो वज्जायाडम, रमो लुए सव्यसाहुडम। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान महासमाधि धारक आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनि राजों की, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की। भगवान मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, मोक्ष कल्याणक महोत्सव महोत्सव सभी देवगण देव आदि मनाते हैं। और व्यवस्थित कर लो, देखो नहीं उधर उधर कर लो। भगवान कहते हैं ना, स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस प्रकार से एक बार घी बनने के बाद पुनः दूध नहीं बन सकता है घी, लेकिन घी पर जब दूध के ऊपर जब घी डाला जाता है वह ऊपर आ जाता है। एक बार बीज जल जाने के बाद फिर से उसमें उगने की क्षमता नहीं होती है। जब पंच कल्याणक महोत्सव होते हैं तो मोक्ष कल्याणक पर एक गीत सुनाया जाता है, चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, यहाँ कोई ना अपना है। थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें, है ना, जो यहाँ कोई ना अपना है, जग झूठा सपना है, कि जाने कहाँ चले गए। तो यहाँ कोई अपना नहीं है, अपन सबको अपना मानते हैं। वस्तुतः एकत्व भावना, 12 भावना के अंतर्गत जो एकत्व भावना आती है कि मैं अकेला हूँ, कोई नहीं हमारा, इस संसार से सबको जाना पड़ता है। सिद्ध भगवान भी जब मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और उनका वही लक्ष्य होता है, इसी प्रकार से हमें भी। एक बार कुंडलपुर की ही बात थी और प्रातःकाल की बेला में जब उठते थे और ऐसी पंक्ति गुनगुनाते थे, कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है, तू ही दिया तू ही बाती, सारी यात्रा एकाकी है। यानी मैं अकेला हूँ, कोई मेरा नहीं है, घर परिवार सब रिश्ते नाते सब अपने सहयोगी होते हैं, उनसे बस सहयोग लेना है, संसार में हमें अकेले ही रहना है। तू ही दादा तू ही नाती, सारी यात्रा एकाकी है, छूट जाएंगे साथी संगाती, होगी यात्रा एकाकी है, सुख और खुशियां जब है आती, होती यात्रा एकाकी है। तो मैं अकेला ही हूँ, कोई मेरा नहीं है, तू ही दूल्हा तू ही बराती, सारी यात्रा एकाकी है। इस संसार में ऐसे परिवार और समाज के लोग मिल जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है ये सब हमारे हैं। जब बुराई हो जाती है तो रिश्तों में दरार आ जाती है। सबसे अच्छा रिश्ता किससे होता है? फरिश्ता से। प्रभु से अगर अपना नाता जोड़ लोगे, रिश्तेदारी कर लोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। और जो रिश्ते नाते होते वो छूटने वाले हैं, कई बार कड़वाहट आ जाती है तो बस छूटते चले जाते हैं, बुराई हो जाती है,
आज हमें वह अच्छे लगते हैं, घर के परिवार के रिश्तेदार मित्र, जब उनसे हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो अच्छे लगते हैं, जब बुराई हो जाती है तो बुरे लगने लग जाते हैं। देखो पंखा है, कूलर है, गर्मी में अच्छा लगता है, एसी है, और जब ठंड में कूलर चला के देखना कैसा लगेगा। वस्तु वही रहती है, व्यक्ति वही रहता है, जैसा हमारा संबंध उसके साथ हो जाता है वैसे ही हमें लगने लग जाता है। इसी प्रकार से भगवान ने उस मोक्ष तत्व को प्राप्त कर लिया है और भय मुक्त हो गए, लेकिन हमें भी मुक्त होना है। किन से होना है मुक्त? इन सब कर्मों से। कर्म ऐसे होते हैं कि वह उनके कारण से व्यक्ति कहते हैं, जब आते कर्मों के फिर, मकड़ जाल में फंसते शेर। शेर भी उस मकड़ जाल में फंस जाता है, मकड़ी के जाल में भी शेर फंस जाता है। इसी प्रकार से हमारी स्थिति होती है। अब जैन दर्शन बहुत कठिन धर्म है। जब साधु संत विहार करते हैं ग्रीष्मकालीन तपन में, लोग देखते हैं और मुंह में उंगली दबा लेते हैं कि देखो कितनी कठिन साधना तपस्या है। और कई बार कोई साथ दे या ना दे, लगता तो है पीछे बंधे हैं हाथ, शर्त है सफर, किससे कहें पांव का कांटा निकाल देना, मान लो ठंड का समय है और पैर में कांटा लग गया और एक हाथ में पिछी एक हाथ में कमंडल, और समय हो रहा है शाम का, क्योंकि रुकेंगे तो ठंड में रुकना पड़ेगा, कोई व्यवस्था नहीं है, और चलते जा रहे हैं, कांटा भी लगा है और चुभता जा रहा है कांटा और दर्द हो रहा है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो साधु संत लगातार अपनी चर्या का पालन करते रहते हैं, लेकिन ग्रस्त हैं, आलसी होते चले जाते हैं। जब बात आती है कि निर्वाण लाडू अर्पण करना है तो कौन बनाए, कौन क्या करे, भोजन की बात आएगी तो है ना, प्रभु भजन को आलसी और भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। कितनी तरह की 56 तरह के व्यंजन रखे थे, डिश बनी रहती, लगी रहती टेबल पर, और दोनों हाथों से उठाते हैं और खाते चले जाते हैं, लेकिन भगवान को चढ़ाने की बारी आएगी तो कौन करे। राजा बरांग का उल्लेख आता है। राजा बरांग अपने घर से आता था शुद्ध वस्त्र पहन करके, और घर से ही द्रव्य लाता था, पूजन की अच्छी से अच्छी उत्कृष्ट द्रव्य, सर्वश्रेष्ठ द्रव्य लाता था और फिर पूजन करता था। छत्र, अष्ट छत्र आदि जो अष्ट मंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार प्रदर्शित करते हुए वह पूजन करता था, ऐसा वरांग चरित में उल्लेख आता है। भरत चक्रवर्ती जब पूजन करते थे द्रव्य के पहाड़ बन जाते थे। अब क्या करें, हमने देखा है कि लोग आते हैं कई बार रत्न भी चढ़ाते हैं, कोई स्वर्ण के पात्रों से अभिषेक शांति धारा भी करते हैं लोग, किसी के पास स्वर्ण के पात्र भी होंगे, पूजन के रहते हैं लोगों। एक व्यक्ति तो सुना था कि प्रतिदिन, वह पुरुष की बात कर रहा हूं, कि सौ धर्मेंद्र बन करके सोने के आभूषण पहन करके प्रतिदिन अभिषेक पूजन करने का, ऐसा सुना था व्यक्ति का, वर्तमान में नहीं मालूम। तो कुंडल पहनेगा, बाजूबंद सोने के पूरे, इसमें क्या है, अच्छे से अच्छा भगवान के लिए जितना करोगे। लोग क्या करते हैं, शादी में जाएंगे तो बड़ी नई साड़ी और सब टिप टॉप जाएंगे, और मंदिर में जाएंगे तो कौन कुछ नहीं, परिभ्रमण में लेकिन विशेष रहता है ना, कौन कोई ने अगर पूछ लिया तो और खुशी हो जाती है, अरे वाह पैसे तो वसूल हो गए, क्योंकि हम जितने की लाए थे इसने पूछ लिया, और कोई ने नहीं पूछा तो टेंशन हो जाती। जैसे फेसबुक पे और यूट्यूब आदि पे लाइक्स का रहता ना, और इंस्टाग्राम पे रहता है लाइक्स बढ़ते हैं और क्या क्या बढ़ता है, मैं नहीं मालूम, जानकारी तो है, लेकिन इसी प्रकार से लोगों में आज क्रेज होता है, कोई पूछ लेता है तो खुशी हो जाती है, अरे इनने पूछ लिया। तो ये दूसरों को दिखाने के लिए कितना हम करते रहते हैं, लेकिन भगवान की बारी आती है तो बस कंजूस हो जाते हैं कि निर्वाण लाडू कौन चढ़ाए, है ना, भगवान ने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया, या ठीक है वो चले गए, हमें तो कुछ मतलब नहीं भगवान से। ऐसा नहीं है, भगवान की जो भक्ति करेगा, छोटा सा मेंढक भी आपको मालूम है, वो जा रहा था, क्या लेके जा रहा था, पाखुड़ी लेके जा रहा था, और राजा श्रणिक के हाथी के नीचे आ जाता है, मरण हो जाता है, सबसे पहले वह देव बनकर समोसरण में पहुंच जाता है। देखो कितनी भक्ति की महिमा बताई गई है, यहां पर कितनी प्राचीन प्रतिमा है, 1008 साल होने वाले कुछ वर्षों में ऐसी अतिशय युक्त प्रतिमाएं विराजमान हो जहां पर, लेकिन लोग भक्ति नहीं करते हैं उतनी,
कंजूसी करते हैं, कंजूसी करोगे तो कंजूस रह जाओगे, जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। बहुत सारे हमने देखे हैं जिनके पास बहुत धन वैभव था, उनने कमाते कमाते दिन भर दुकान पे, ऑफिस में और अन्य कार्यों में इतना धन कमाया, लेकिन पूरा चला गया, कोई खा गया पैसा, कोई रिश्तेदार खा गया, कोई परिचित खा गया, कोई ग्राहक खा गया। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं सुनाते अपनी कहानी। तो इसलिए हम तो किसकी कहानी सुनाते, दानी की, महादानी की कहानी, कि जो आप जिनका हम नाम ले रहे थे ना, आर के मार्वल जिनका नाम है, और जो हमने खुद देखा है कि जब भी दान की बात आती है तो कंजूसी नहीं करते हैं, लुटाते हैं। लोग कहते हैं उनके पास है तो लुटा रहे, ऐसा नहीं है, वो दान करने से बने हैं। सबसे पहले जब भी कहीं दान की बात आई तो उन्होंने आगे होकर छोटा सा दान दिया था, और आज उनके पास इतना वैभव बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया कि इतनी बड़ी क्षमता आ गई कि पूरे वर्ल्ड में एक उनके नाम से रिकॉर्ड बन गया दान देने में सबसे अग्रणी। तो अपन तो छोटा सा दान दे सकते, कंजूसी क्यों करें? और किसी के पास अगर दान देने के पास कमी आ जाए तो हमारे पास आ जाए, हमारे पास इतनी तो व्यवस्था है, हमारे पास है बहुत सारे लोग, दान देने के बाद आए कमी। आज तक वैसे हमने नहीं सुना कि कोई दान जिसने दिया हो गरीब हो गया हो। दान देने से व्यक्ति गरीब नहीं हुआ बल्कि प्रभु के करीब हुआ है। इसलिए हमारी तो एक भावना है कि यहां पर ऐसी जिनबिंब, जितने प्राचीन जिनबिंब हैं उनका अभिषेक देखने को मिले, शांति धारा देखने को मिले, क्योंकि भरोसा तो है नहीं, कुछ दिन का प्रवास है, आगे यात्रा जारी रहना है, लंबी यात्रा है। तो इसलिए ये जो निर्वाण महोत्सव प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन तो नहीं आते, जब भी आते हैं, विशेष विशेष इतने सारे भगवान हैं तो सबके एक एक आते होंगे, और भी कल्याणक आते हैं, तो अपन को घर से एक श्रीफल लाना चाहिए, और नियम भी लेना चाहिए कि हम एक श्रीफल प्रतिदिन चढ़ाएंगे। आप देखना 5-6 महीने में आपको लगेगा कि मैंने जब से भगवान को श्रीफल चढ़ाना प्रारंभ किया है मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। दुनिया में आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, ना कोई स्कीम मिलेगी पूरे वर्ल्ड में चले जाना, एक ही स्कीम ऐसी है, भगवान की स्कीम है कि जहां देने से फायदा ही फायदा हुआ, जब भी जिसने दिया है तो उसको फायदा हुआ, लेकिन अन्य जगह दोगे तो पाप का ही अर्जुन होता है। लोगों के पास कितनी अच्छी अच्छी गाड़ी है, बंगले हैं, टॉप के फ्रिज है, कूलर एसी है, मोबाइल है, 2-2 लाख रुपए के मोबाइल आने लगे हैं और इससे भी महंगे आने लगे, लोग रखते हैं, उसमें लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जब आती है बात भगवान को चढ़ाने की तो बस कंजूसी दिखाते हैं, हमारे पास है ही नहीं। ऐसे जानते हैं कि जैसे महाराज को कुछ नहीं मालूम, हमें सब मालूम, क्योंकि हमारी इनकम टैक्स वालों से भी सेटिंग है, हमें सब मालूम है, हमारे पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं जिससे मालूम चल जाता है कि किसके पास क्या है धन। तो लेकिन हम किसी के बारे में जानकारी इसलिए नहीं करते हैं ज्यादा कि अपन को क्या करना, उसका धन उसके पास, हमारा धन हमारे पास है, लेकिन बात बता इसलिए रहे कि लोग ये सोचते हैं कि इनको कुछ नहीं मालूम, सब मालूम। तो जब बात आती है कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो तो कितना सारा लोगों के पास पैसा आता है, लड़की की शादी करना हो, लड़के की शादी करना हो, यानी जब दिखाने की बात आएगी तो लोग कितना सारा वैभव दिखाते हैं, जब बात आती है देने की तो बस ऐसे लगता है जैसे ये सबसे बड़ी दुनिया के कौन हो, समझ जाओ दुनिया के सबसे ज्यादा, यानी इनके पास कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास तो एक और व्यवस्था है, किसी के पास कुछ नहीं हो तो अपन मंदिर से भी दिलवा सकते हैं, उसके लिए मंदिर वाल मंदिर में फंड रहता है तो भैया उससे दिला दे, नहीं है आपके पास, गरीब हैं आप। और इस प्रकार से अपन भगवान की महिमा, यानी लिखा है शास्त्रों में कि जिन जिन ने भी भगवान को जो अर्पण किया है, लिखा है कि जो भगवान को छत्र अर्पण करता है उसके ऊपर भगवान की छत्र छाया हमेशा बनी रहती है, और वह एक छत्र राज करता है। भगवान के ऊपर जो चमर ढोराता है उसके ऊपर भी चमर ढोते हैं, वो निरोगता को प्राप्त होता है। भगवान को जो सिंहासन प्रदान करता है उसको भी आगामी भवों में सिंहासन मिलता है, आसन मिलता है। इसी प्रकार से भगवान के ऊपर जो भी जो वस्तु अर्पण करता है, जो भगवान के मंदिर में जो भी जो अर्पण करता है, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इसलिए अपन को कंजूसपना छोड़ना है। हमें तो मालूम नहीं, हम ना किसी को जानते हैं ना कोई हमें जानता है, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि हमारे भगवान जितने भी थे सबके पास बहुत वैभव था, और उन्हें सब वैभव त्याग कर दिया, और
भगवान की व्यवस्था करने के लिए कई बार अपन को दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, लेकिन भगवान की व्यवस्था अपने आप होती चली जाती है। जब भी भगवान की बात आती है तो लगता है कि मंदिर कैसे बनेगा, और देखा गया कि जब भी मंदिर बनते चले गए और मंदिर बनने के बाद ये स्थिति आई कि पंचकर्णक हुए तो इतनी सारी राशि बची कि बाद में और जगह देना पड़ी, स्थितियां ये हैं। इसलिए हम उन कंजूसों से ये कहना चाहते हैं कि आप कंजूस नहीं, महादानी बनो, तो आपकी भी कहानी लिखी जाए। जिस प्रकार से हमने उनका उदाहरण दिया, पाटनी जी का इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि मैं उनके इतने सारे उदाहरण मेरे पास है, लेकिन एक बार पूज्य आचार्य भगवान के पास एक व्यक्ति गया, आचार्य भगवान मैं गरीब हूं और क्या करूं, तो आचार्य श्री ने कहा दान किया करो, और व्यक्ति वह चला गया। और भी मुनि महाराज आदि थे, इलक छुलक रहे होंगे उस समय, तो उन्होंने सुन ली ये कहानी और आचार्य श्री से प्रश्न किया कि आचार्य श्री कोई गरीब है तो दान कैसे करेगा वो। तो आचार्य श्री ने कक्षा में विषय जब आया तो प्रश्न जब होता है, शंका होती है तो समाधान भी देना पड़ता है। तो आचार्य भगवान ने कहा कि जब वो गरीब दान करेगा तभी तो उसका पुण्य बढ़ेगा। और बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बाद वह वापस आया, और वापस आने के बाद बहुत खुश नजर आया, वो प्रसन्न था बिल्कुल, और रुका नहीं, सीधा आचार्य श्री के कमरे में पहुंच गया। और आचार्य भगवान ने कुछ नहीं बोला, और उसी ने फिर बोलना शुरू कर दिया, आचार्य भगवान ये तो अतिशय हो गया, चमत्कार हो गया। आचार्य श्री ने कहा क्या हो गया, तो उसने कहा आपने ही मंत्र दिया था कि दान दिया करो, और मैं पहले दान नहीं करता था बिल्कुल, जब से दान देना शुरू किया तो आज मेरी स्थिति आपकी आशीर्वाद से, आपकी कृपा से बहुत अच्छी हो गई है। तो देखिए आप, आचार्य श्री चाहते तो किसी धनी व्यक्ति से उस बोल देते कि इसको इतना धन दे दो, लेकिन आचार्य भगवान ने ये नहीं कहा। यानी हमारे आचार्य भगवान गरीब को भी अमीर बना देते थे। हमने देखा पहले की स्थिति अलग थी लोगों की, सुनी है और देखी है, लेकिन जब आचार्य भगवान के जिस चौके में आहार हुए, वो व्यक्ति अपने आप, उसकी भावना हो जाती थी कि मैं इतनी राशि देना चाहता हूं। एक गांव की बात थी, एक छोटा सा गरीब व्यक्ति जो मंदिर से धन लेता था, और उसकी भावना हुई, क्या हुई कि मैं आज आचार्य भगवान के हमारे घर में आहार हुए हैं तो मैं कितनी राशि दूं, 11, तो उसने दे दिया। अब समझ जाओ 11 मतलब सारे में समझ जाएंगे सब लोग, छोटी सी राशि मतलब कोई बड़ी नहीं। अब 11 रुपए नहीं समझ लेना तुम लोग, इतना तो समझते सामान्य राशि जो आप लोग बोलते हैं, वो लाखों में नहीं थी, हजारों की बात चल रही। अब वो राशि बोलना वो ठीक नहीं रहता, किसी की कम रहती किसी की ज्यादा रहती है। तो अपन उसने कहा 21 देना, हमने कहा नहीं तुम बहुत दे रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति धंधा करता था छोटा सा, और मंदिर से राशि लेता था, ब्याज सहित लौटा देता था, इसमें निर्माल का दोष नहीं लगता है। अब वह व्यक्ति देखो छोटा सा भली गरीब है, लेकिन उधर समाज की ऐसी व्यवस्था है कि मंदिर से ही किसी व्यक्ति की मदद की जाती है। इसलिए कोई अगर गरीब है और बीमारी है किसी को, तो अपन को उसकी मदद करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती विमला देवी पाटनी, श्री संजय पाटनी, श्रीमती नीतू, तोषिका, हर्ष, शमन पाटनी परिवार, भीलवाड़ा निवासी, निम्बा हेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।